नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियल इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको इनका एक कोलैबोरेटेड फॉर्म चाहिए, कंपाइलेशन चाहिए, देन हमारी क्वार्टरली कंपाइलेशन मैगजीन आने वाली है जल्दी ही। यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बाय इट फ्रॉम देयर। वहाँ पे अलॉन्ग विद दीज करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे इलैबोरेटेड एसेज मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में, सो दैट विल रियली हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम इट, जो इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यू कैन गो एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, हमारे दो टेलीग्राम चैनल्स हैं और वहाँ पे हम अपनी बुक्स के बारे में, अपनी और वीडियोस के बारे में इन्फॉर्मेशन भी पोस्ट करते रहते हैं, सो दैट्स रियली यूजफुल। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीक इज पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज इन न्यूज़ इज द्रौपदी मुर्मू। She has been elected the 15th president of India. Recently, इन्होंने शपथ ग्रहण किया की थी and she is the first tribal woman president of India and she is succeeding President Ramnath Kovind. इनके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, सिंस शी इज़ नाउ द प्रेजिडेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो। ऑल दो मैंने ये चीज़ें पहले भी कवर की हैं पुराने झलक के सीरीज़ में, but again it's important to revise. She was born on June 20th 1958 in Santhali tribe family in Upar Beda village of Mayurbhanj district hai Odisha mein, wahan pe inka janm hua tha. Theek hai, 20th June 1958 mein, because ab jab bhi koi president banta hai to unka kitab history mein likha, unka naam jo hai history mein likha jata hai, history ki kitabon mein unke bare mein बुक्स लिखी जाती हैं, सो इट्स बेटर दैट यू गाइज नो एंड अंडरस्टैंड दीज पीपल, ठीक है, इन डिटेल, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो बेसिकली शी वॉज अ स्कूल टीचर बिफोर एंटरिंग पॉलिटिक्स इन 1997. शी ऑल्सो वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन नागपुर इज द प्लेस जहाँ पर इन्होंने काम किया था। Apart from it, she was a junior assistant at the irrigation department of government of Odisha also. 2015 से 2021 के बीच में ये झारखंड की गवर्नर भी बनी थी, 9th गवर्नर ऑफ झारखंड। सो ये इन्फॉर्मेशन थी मुर्मू जी के बारे में आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम इट, लेट्स सी हू इज़ द नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज़। द सेकेंड पर्सन इज़ आशीष कुमार चौहान। ही हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू CEO and managing director of National Stock Exchange. इससे पहले ये MD रहे हैं और CEO रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी, ठीक है, तो इनका टर्म जो है नवंबर 2022 में ख़त्म हो रहा है। अब ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, पाँच ईयर का टर्म होता है इनका। इससे पहले विक्रम लेमे थे, उनको ये सक्सीड करेंगे, एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने काम भी किया है 1992 से 2000 तक, ठीक है, जो लोग बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, हु इज़ गौतम अदानी। गौतम अदानी हैज़ रिसेंटली बिकम 4th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। पहले तीन कौन हैं, एलॉन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, एंड थर्ड इज जेफ बेजोस, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ के ही हैज़ नाउ बिकम द 4th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड ही इज़ एन इंडियन ऑफ कोर्स। और अंबानी इस लिस्ट में तो बहुत नीचे आते हैं, इज़ अराउंड 10th इन दिस लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पर्सन इन पीपल इन द वर्ल्ड, बट गौतम अदानी नाउ हैज़ बिकम द 4th रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, दिनेश गुनावर्देना। ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू एंड द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, ठीक है, सीनियर पॉलिटिशियन है ये। हमें पता है कि श्रीलंका में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है काफ़ी टाइम से, और वहाँ के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों ने रिज़ाइन कर दिया था, जिसके बाद हमने पढ़ा था कि रानिल विक्रम सिंघे जो हैं वो बने थे वहाँ के प्रेसिडेंट, 9th प्रेसिडेंट स्वोन किया था। उसके बाद अब वहाँ पे एक न्यू प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं जिनका नाम है दिनेश गुनावर्देना, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो।
अगला पर्सन देखते हैं, नीरज चोपड़ा. वाई ही इज इन न्यूज, बिकॉज ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप. पहले इंडियन हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और इनके फोर्थ अटेम्प्ट में विनिंग थ्रो था ये. इनका जो अटेम्प्ट था इसमें दैट वॉज 88.13 मीटर्स इन मेंस जैवलिन फाइनल्स. सो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है. अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट डेज. देखिए ये वाली जो सीरीज़ है हमारी झलक की, इसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर करते हैं पूरे हफ्ते की जो भी हैं, और टू द पॉइंट करते हैं. इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है, बिकॉज हफ्ते में बहुत सारी न्यूज़ कवर करनी होती है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है झलक. दूसरी चीज़, अगर आपको और इलैबोरेटेड फॉर्म चाहिए किसी भी न्यूज़ का, उसके लिए हमने हिंदू एनालिसिस की वीडियोज़ भी हमारी आ रही हैं, उसके साथ साथ छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज़ आती रहती हैं. प्लीज़ गो एंड चेक दैम आउट ऑल्सो, ठीक है. बट बाकी आप लोग ये भी फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग दैट वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स. और आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए. अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज की तरफ. नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 23rd. नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, इट रिमाइंड्स इंडियन सिटीजन्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रेडियो ऑन आवर लाइव्स. आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा अपना होम ग्रोन नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है. प्रसार भारती का डिवीजन है ये AIR. ये जो है पहले एक ऑटोनोमस बॉडी हुआ करती थी, उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इसे सेटअप किया गया. बेसिकली ये एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स. इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड IBC का नाम था. सो उस कंपनी उसको इंडियन गवर्नमेंट ने, जब इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही उसको फिर ऑल इंडिया रेडियो बना दिया था July 23rd, 1927 को. सो July 23rd को सिंस इसकी स्थापना हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की, फ्रॉम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी टू ऑल इंडिया रेडियो, इसलिए इसको इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पे. सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब ऑब्जर्व करते हैं. दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी, व्हेन डज ऑल इंडिया रेडियो बिगैन. सो July 23rd, 1927. अगला डे देख लेते हैं, आयकर दिवस और इनकम टैक्स डे ऑब्जर्व होता है 24th जुलाई को. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, इट है ऑब्जर्व्ड 162nd इनकम टैक्स डे इन्होंने ऑब्जर्व किया. जो पहला इनकम टैक्स डे था वो 2010 में मनाया गया था. और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ दैट 24 जुलाई 1860 को इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय सर जेम्स विल्सन. एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि इनकम टैक्स कब आया था. सर जेम्स विल्सन के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था July 24th को 1860s में, ठीक है. ये आपको याद रखना है. और बेसिकली द पर्पस ऑफ द टैक्स वॉज टू compensate for the losses incurred by British regime during the first war of independence against British rule in 1857. ठीक है, अब अगला सेगमेंट देख लेते हैं नेशनल न्यूज़ का. न्यू GST rates came into effect from July 18th. ये चीज़ तो हम सभी को पता है अगर हम इतने अवेयर हैं तो, और हम झलक फॉलो कर रहे हैं तो, दैट हमने देखा कि न्यू GST रेट्स जो है 18th जुलाई से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों पे इस टाइम GST लग चुकी है, विच इंक्लूड्स पनीर, राइस, वीट, कर्ड, लस्सी, मिल्क ऑल्सो. सो ऑल ऑफ दिस प्री पैकेज और लेबल्ड आइटम्स जो हैं, इन सब पे अब GST लगेगी. बेसिकली अ न्यू GST टैक्स स्ट्रक्चर वॉज अप्रूव ड्यूरिंग द 47th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल दैट टुक प्लेस लास्ट मंथ इन चंडीगढ़. सो आफ्टर दैट इट हैज़ बिन डिसाइडेड दैट इन सब चीज़ों पे GST लगाई जाएगी, प्री पैकेज और लेबल चीज़ों पे. दूसरी चीज़, ड्राइड मखाना, पफ्ड राइस, ये सारी चीज़ें हैं, मीट, फिश वगैरह, इन सब पे भी 5% लगेगी. 12% लगेगी मैंगोज पर और मैंगो पल्प पर. और ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं पहले GST में नहीं आती थी, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST, और अब इनके ऊपर लग गई है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, ठीक है. और अपार्ट फ्रॉम इट, जो अनलेबल्ड, अनब्रांडेड और लूज आइटम्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं अभी भी GST से.
अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, हर घर तिरंगा स्लोगन। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये भी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अर्ज किया है लोगों को, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ द कंट्री, कि वो इस कैंपेन के साथ जुड़ें और फ्रॉम 13th of August to 15th of August और हर घर तिरंगा अभियान के अंदर नेशनल फ्लैग को होस्ट करें अपनी छतों पर, अपने घरों पर फ्रॉम August 13th to 15th, ठीक है, विच इज़ एक्ट ऑफ सिम्बलिज्म, सिम्बॉलिक एक्ट है हमारा, हमारे नेशनल नेशन बिल्डिंग के लिए, इसलिए इस अभियान को चलाया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, विच इज़ इंडिया इज़ बाय इकोनॉमी लाइकली टू रीच ही $300 बिलियन बाई 2030, ठीक है। इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है, बायो इकोनॉमी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की जो इकोनॉमी है वो माना जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि 2030 तक $300 बिलियन बढ़ जाएगी। इन एक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च कंसिस्टेंट काउंसिल है, बायरेक जिसे बोलते हैं, उन्होंने एक इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसके अंदर इन्होंने बताया कि इतनी लेवल तक अराउंड 14.1% का इंक्रीज़ होगा इंडिया की बायो इकोनॉमी में, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं, जोकर मालवेयर, गूगल प्ले स्टोर डिलीटेड 50 जोकर मालवेयर इन्फेक्टेड एप्स रिसेंटली। सो क्या है ये जोकर मालवेयर? बेसिकली ये एक तरीके का मालवेयर है जो कि एंड्रॉयड डिवाइसेस को एक्सप्लॉयट कर रहा है, और इसके अंतर क्या हुआ था कि गूगल प्ले स्टोर पे जो 50 एप्स थे वो इन्फेक्ट हो गए थे, ठीक है। और ये चीज़ किसने खुलासा की है? जे स्केलर थ्रेड लैब्स करके एक लैब है, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया है कि एक जोकर मालवेयर है, उसके बाद जो है ये सारे ऐप्स डिलीट कर दिए गए थे गूगल प्ले स्टोर से और इनको बैन कर दिया गया था। बेसिकली ये जो जोकर मालवेयर है ये क्या करता है, ऑफिशियल ये गूगल के जो ऑफिशियल ऐप्स हैं उनको, उनके अंदर वायरस का एक कोड डाल देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके फ़ोन में भी वो कोड आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिवाइस डाटा, वेब सर्विसेज, SMS मैसेजेस सब इफेक्ट हो सकते हैं, एंड दे कैन स्टील द इन्फॉर्मेशन। सो अगेन इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जोकर मालवेयर, ठीक है। 50 ऐप्स बैन हुए थे, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कितने ऐप्स बैन किए गए थे जोकर मालवेयर के, या जोकर मालवेयर ने कितने ऐप्स को अफेक्ट किया था। अगली न्यूज़ को देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ अनरिवील्ड इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन वरुणा, ठीक है। रिसेंटली फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन, बेसिकली क्या है पैसेंजर ड्रोन, मीन्स दैट अब पर्सन पीपल जो हैं वो भी ट्रैवल कर सकते हैं ड्रोन में, ठीक है, इंसान भी बैठ के ट्रैवल कर सकता है ड्रोन में, which is again extremely important from information technologies point of view and how we are moving towards 21st century. So Prime Minister Narendra Modi ने Naval Innovation and Indigenization Organization है वहाँ पर सेमिनार अटेंड किया था, जिसका नाम था स्वलंबन, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था न्यू दिल्ली में। वहाँ पर इन्होंने एक स्टार्टअप है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था वरुणा ड्रोन का और नरेंद्र मोदी जी ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था। इन्होंने बताया कि ये इंडिया का फर्स्ट ड्रोन है जो कि ह्यूमन पेलोड कैरी कर सकता है, जो कि रेंज है इसकी 25 किलोमीटर्स तक। सो 25 किलोमीटर्स तक ये ह्यूमन पेलोड कैरी कर सकता है ऑफ अराउंड 130 kgs, ठीक है, 25 से 33 मिनट तक इसका फ्लाइट टाइम है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ स्पोर्ट्स सेगमेंट। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 रिसेंटली हुई थी एल्डोजे पॉल, ठीक है, जहाँ पे एल्डोजे पॉल जो हैं वो पर्सन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एल्डोजे पॉल इंडिया के हैं और इन्होंने ट्रिपल जंप फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप जो हुई थी यूजेन में, ठीक है। यूजेन इज़ अ कंट्री ओरेगन में, और इसी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता है नीरज चोपड़ा जी ने, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी कि कहाँ पे हुई थी, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने और रोहित यादव ने, दे वर द फर्स्ट वंस टू क्वालिफाइड, आफ्टर दैट
फर्स्ट इंडियन जो कि ट्रिपल जंप में क्वालिफाई हुए हैं वो है एल्होसे अपॉल. सो क्वेश्चन आ सकता है, इन तीनों के नाम आ सकते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग द ऑप्शन. सो इनका जो है ट्रिपल जंप में पहली बार क्वालिफाई हुए हैं ये. सो बेसिकली इंडिया हैज़ परफॉर्म रियली ग्रेट इन अ ग्रेट वे इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप दिस टाइम. अगली न्यूज़ देखते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट से, विच इज़ अगैन अबाउट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप. अब रिसेंटली जब ये हुई थी युगने में, सो उसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि जो नेक्स्ट होगी 2025 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, नॉट 2025, बेसिकली इट विल बी हेल्ड इन 2023 जो कि हंगरी में होगी, और 2025 में टोक्यो में होगी, टोक्यो जापान में. ठीक है, सो 18th एडिशन था ये वाला, ठीक है, यूएसए में ओरेगन में. उसके बाद बुडापेस्ट हंगरी में होगी 2023 में, उसके बाद 2025 में टोक्यो में होगी. ये आपको याद रखना है. अगले न्यूज़ देख लेते हैं. बेसिकली नेक्स्ट सेगमेंट है इंटरनेशनल न्यूज़. ड्यू टू एन इंटेंस हीट वेव इंग्लैंड अंडर इट्स फर्स्ट एवर रेड वेदर वार्निंग. सो इंग्लैंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेड वेदर वार्निंग जारी की गई थी बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यूके के फर्स्ट एवर रेड एक्सट्रीम हीट वार्निंग जारी की गई थी अराउंड द एरियाज ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग लंडन, और 40 डिग्रीज सेल्सियस तक वहाँ पे टेम्परेचर पहुँचने की संभावना थी. यहाँ पे तो हम लोग 40 डिग्रीज कुछ भी नहीं मानते हैं सिंस इस टाइम 48 डिग्रीज तक टेम्परेचर गया है दिल्ली में स्पेशली. बट अपार्ट फ्रॉम इट, अगर इंग्लैंड जैसी जगह, लंदन जैसी जगह जहाँ पे बर्फ गिरती है, वहाँ जहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे यहाँ तक टेम्परेचर पहुँच जाए, सो इट्स वेरी रेयर. बट इस बार ये संभावना की गई थी, इसलिए वहाँ पे रेड वार्निंग अलर्ट जारी किए गए थे. अब देखते हैं अपना अगला सेगमेंट, विच इज़ ऑल्सो द लास्ट सेगमेंट फॉर द वीक. रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स. वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2022, जिसमें इंडिया का रैंक आया है 87th. सो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हर साल रिलीज करता है अपनी रैंकिंग्स, और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. इंडिया का रैंक है 87th, ये आपको याद रखना है, इसे रट लीजिए, लिख लीजिए, जैसे भी आप नोट्स बनाते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए. सो 87th रैंक है इंडिया का, और थ्री एशियन कंट्रीज, दैट इज़ जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, दे हैव बैक द टॉप थ्री पोजिशंस ऑन द लिस्ट. ठीक है, और जो पैंडमिक रिवर्सिंग द प्री पैंडमिक रैंकिंग्स, बिकॉज इससे पहले यूरोपियन नेशंस ने ड्रॉप किया था, और जापान का तो सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट माना ही जाता है. सो जापान इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप व्हेन इट कम्स टू द पासपोर्ट्स. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट, इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी आई थी इसी इंडेक्स में जो कि वीज़ा फ्री इंडिया के लिए डिक्लेयर की गई थी. ठीक है, अराउंड 60 कंट्रीज़ वर देयर विच वर डिक्लेयर्ड वीज़ा फ्री फॉर इंडिया. ठीक है, फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स. और इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, इट वॉज एट द फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, विच इज़ एक्सपेक्टेड ऑफकोर्स. And apart from it, India along with Mauritius, Tajikistan has been ranked on the 87th. ये आपको याद रखना है. ठीक है, चाइना के जो टाइज है बोलीविया के, वो 69th पोजिशन पे था. और चाइना के पासपोर्ट जो हैं, दे एक्चुअली अलाउ 80 destinations. ठीक है, सो दैट वॉज इट फॉर द वीक. आई होप यू enjoying दिस सीरीज, एंड इफ यू आर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ शेयर द नॉलेज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, and hit the like button, subscribe if you haven't yet. And if you have any questions, any doubts, or you want some other videos for us to come up with, please let us know in the comment section. Have a good week. Dhanyawad.